आईपीएल का 35वां मुकाबला दो बड़े कप्तान और दो बड़ी टीमों के बीच खेला जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जिसमें एक तरफ भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है तो दूसरी तरफ टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली। आपको बता दें, चेन्नई के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे खुद कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पड़िक्कल। आज आरसीबी के कप्तान कोहली मैदान में सोच कर आए थे कि धोनी की टीम को चारों खाने चित कर देंगे और वो शुरू से ही चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर हावी नजर आए, फिर चाहे वो दीपक चहर हो या फिर शार्दुल ठाकुर। बात है मैच के 5वें ओवर की। गेंदबाजी पर थे शार्दुल ठाकुर और सामने थे आरसीबी के कप्तान विराट कोहली। शार्दुल ठाकुर ने जैसे ही गेंद डाली, विराट कोहली ने मिडऑन में इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर पहुंच गई, जिसे देखकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी भड़क उठे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धोनी गेंदबाज की तरफ घूमने लगे और उधर जैसे ही कोहली ने छक्का लगाया, वो भी कुछ देर तक गेंद को ही निहारते रहे और गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर पहुंच गई। जिसने भी कोहली का एक गगनचुंबी छक्का देखा वो देखता रह गया और फैंस भी खुशी से झूम उठे। अब देखना होगा कि अगर विराट कोहली ऐसे ही तूफानी बल्लेबाजी करते रहे तो धोनी के गेंदबाजों को मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।